ईश्वर की शपथ लेता हूं। बड़ी और अहम खबर है लखनऊ से। ब्रजेश पाठक डेप्यूटी सीएम के घर जश्न का माहौल दिख रहा है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है। ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कानून मंत्री का जिम्मा उनके पास था, लेकिन अब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। दिनेश शर्मा की जगह पर ब्रजेश पाठक, जो ज्यादा आक्रामक चेहरा उनका है, और साथ साथ एक देखा जाए कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी पहचान उत्तर प्रदेश में ज्यादा मजबूत दिखती है। यही वजह है कि बिल्कुल, और लखनऊ कैंट से इस बार विधायक भी वो बने हैं, और उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, पटाखे फोड़कर उनके जो समर्थक हैं वो खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं, नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रजेश पाठक को चुना गया है। सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रजेश पाठक का प्रमोशन करके उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और शपथ उन्होंने ले ली, और ठीक उसके उनके घर के सामने ही आतिशबाजी तमाम उनके कार्यकर्ता उत्साहित कार्यकर्ता कर रहे हैं। कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, मन में उत्साह है, एक बड़ा प्रमोशन देखा जाए तो ये माना जा रहा है ब्रजेश पाठक का, और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं उनके आवास के सामने वो आतिशबाजी कर रहे हैं। आतिशबाजी आप लोग घर के सामने कर रहे हैं ब्रजेश पाठक के? जी जी जी, खुशी उल्लास में कि माननीय उपमंत्री बनाया गया हमारे भैया, उसी खुशी में ये छोटा आप लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी है माननीय ब्रजेश पाठक की उप मुख्यमंत्री बनाया गया हमें, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा चेहरा है माननीय ब्रजेश पाठक जी। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और यही वजह है कि उनके घर के सामने, उनके आवास के सामने लगातार आतिशबाजी की रही है, और जो पोस्टर बैनर पहले लगे थे वो भी बदले जा रहे हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर अब उनके बधाइयों के पोस्टर लगेंगे, और जो कार्यकर्ता है अब वो काफी उत्साहित है, उनके घर के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक के स्वागत की तैयारी में इंतजार कर रहे हैं। तो ब्रजेश पाठक के घर के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप देख सकते हैं पोस्टर तैयार है, और पोस्टर चस्पा कर दिया गया, लगा दिया गया है। पहले से कहीं ना कहीं अनुमान था, इतनी जल्दी तैयारी कर ली गई, और अब आतिशबाजी करके खुशहाली मनाते हुए समर्थक नजर आ रहे, बीजेपी का झंडा भी नजर आ रहा होगा। आपको बताया कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, उसके बाद केशव मौर्य ने शपथ ली, फिर ब्रजेश पाठक ने शपथ ली, और फिर इसके बाद उनके घर के बाहर की तस्वीर जहां पर खुशी में झूमते हुए नजर आए तमाम समर्थक। ब्रजेश पाठक पिछली बार मध्य सीट लखनऊ की जहां से विधायक चुनकर आए थे, इस बार सीट बदली गई, ज्यादा सुरक्षित सीट, ज्यादा आसान सीट उनको दी गई लखनऊ कैंट से, कैंट के लिहाज से, और पिछली बार कानून मंत्री थे, इस बार डिप्टी सीएम का उनको जिम्मा दिया गया है। काफी लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है, छात्र राजनीति से सियासत सीखी उन्होंने, कांग्रेस और बीएसपी में भी रहे, उसके बाद बीजेपी में आए कानून मंत्री के साथ, अब डिप्टी सीएम का एक बड़ा जिम्मा उनको इस सरकार में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर पहुंचे थे तब तमाम नेता उनका अभिवादन कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे, और दूसरी तस्वीर ब्रजेश पाठक जो अब तक कानून मंत्री थे वो अब डिप्टी सीएम नंबर दो की हैसियत उनकी प्रदेश सरकार में होगी। ब्राह्मणों के लिहाज से यूपी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा वो हो गए हैं, अब उस लिहाज से ब्रजेश पाठक के कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में खुशी दिख रही है। होर्डिंग्स के साथ आतिशबाजी, नारेबाजी, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, और इससे समझा जा सकता है कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक कितना खुश हैं।